कि मसल रिकवरी क्या होती है। इससे पहले मैंने वो वीडियो में बोला था कि हम मसल ब्रेक करना किसे कहते हैं, मसल रिकवरी क्या होता है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे मसल। देखो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें कहा था कि हम जिम जा रहे हैं, हम वजन उठा रहे हैं, तो हम मसल ब्रेक कर रहे हैं, मसल तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कसरत ना करें, मतलब हम जिम जाना छोड़ दें या कसरत करना छोड़ दें कि मसल तो तोड़ रहे हैं, ये तो नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि तुम जिम जा रहे हो, तुम कसरत कर रहे हो, या तुम कुछ भी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, चल रहे हो, हर चीज़ में थोड़ी सी मसल ब्रेक हो रही है। लेकिन क्या है, हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि जो मसल तोड़ी गई है वो उसे वापस जोड़ लेता है, ऐसे समझो। और उस जोड़ने को हम रिकवर करना कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम मसल रिकवरी कहते हैं। मैं तुम्हें एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा क्योंकि मैं देसी आदमी हूँ और मुझे चीज़ें देसी तरीके से ज़्यादा ढंग से समझ आती है। और मुझे लगता है कि कम से कम जितना मैंने लोगों को देखा है, लोगों को देसी तरीके से समझना ज़्यादा ढंग से समझ आता है और दिमाग में रहता भी है। मैं तुम्हें देसी तरीके से समझाऊंगा जैसे मैं कुछ समझता हूँ, समझना पसंद करता हूँ। तो मसल तुमने तोड़ी, जैसे हमने मसल ब्रेक करना का, हमारे शरीर बने इस तरीके से कि वो मसल को जोड़ेगा, वो जोड़ने को मसल रिकवरी कहते हैं अंग्रेजी में। इसको समझा कैसे जाए, मान लेते हैं मेरी बाइसेप है। देखो जो भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना बनाया हुआ, जरूरी नहीं है शरीर में ऐसे ही हो रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है शरीर में एकदम ऐसे ही दिखता हो, ऐसे ही हो रहा हो, जरूरी नहीं है उसके आसपास भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं भी ऐसे समझता हूँ। मान लो मेरी बाइसेप है, ठीक, मेरी बाइसेप है, ठीक है, ये कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने कसरत करी, कसरत करी, कसरत करी, ठीक है, मैं जिम में 10 सेट करके आया, 12 आया, मैंने इसे तोड़ा, तो मान लो ये टूटी हुई ऐसी दिख रही है। मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है शरीर में ऐसा बिल्कुल ना दिख रहा हो, मैं एक समझने के लिए कह रहा हूँ, हमने इसे तोड़ा, तोड़ दिया हमने, ये ऐसी दिखने लग गई। अब क्या होगा, मैंने जिम में कसरत करी, 12 आया, मैंने तोड़ दिया इसे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा यहाँ से यहाँ पे, तो हम जिम में या कहीं पे भी, मतलब ये बाइसेप का उदाहरण है। मान लो आप दौड़ रहे हो, आप अपने पैर की मसल तोड़ रहे हो, आप चल रहे हो तब भी आप अपने पैरों की मसल हल्की सी तोड़ रहे हो, वो रिकवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने महसूस किया होगा कि आप लगातार 4-5 घंटे अगर कभी चल के देखा हो तो पैर जवाब देने लग जाते हैं, चलते नहीं फिर पैर आगे। अब मसल टूट गई, अब ये वापस रिकवर कैसे होगी, वापस जुड़ेगी कैसे? ये जुड़ेगी खाने से और आराम से। खाने से और आराम से मतलब मसल तोड़ दी, जिम में बाइसेप की कसरत करके आ गया, मैं घर आ गया, घर पे आऊंगा, खाना खाऊंगा, खा के सो जाऊंगा, अगले दिन उठूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर शाम को जिम जाऊंगा। लेकिन अब मैं बाइसेप की नहीं करूंगा। हमें पता है कि हम लगातार, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम मतलब कि हमें मसल को रेस्ट देना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके। तो अगर आपने कल किसी हिस्से की करी, मान लो बाइसेप की करी, तो आज फिर से आप बाइसेप की नहीं करोगे, क्योंकि आपकी बाइसेप को भी आराम चाहिए रिकवर होने के लिए। आपने कल उसे तोड़ा था, वो अभी तक पूरी रिकवर नहीं, उससे पहले आप उसे और तोड़ दोगे तो आप अपना शरीर खराब कर लोगे, नुकसान कर रहे हो। तो हम आज बाइसेप की नहीं करेंगे, हो सकता है हम बैक की कर लें, पैर की कर लें, कंधों की कर लें, मतलब पीठ की कर लें, पेट की कर लें, छाती की कर लें, कहीं की भी कर लें, लेकिन हम बाइसेप की नहीं कर रहे। तो आपने पूरे दिन खाना खाया, कल कसरत करके घर गए थे तब भी आपने खाना खाया, आप रात को सोए, फिर अब आपने आज भी बाइसेप की कसरत नहीं करी, तो आपकी बाइसेप को खाना भी मिला और आराम भी मिला, तो वो रिकवर हो गई, हमारा शरीर उसे रिकवर करेगा, उसे वापस से जोड़ेगा, ऐसे समझ लो। और इस बार शरीर उसे दो जोड़ करके वैसे तो दो जगह ला सकता है, ठीक है। एक तो उसने जोड़ करके उसे वापस उतना ही बना दिया जितनी वो पहले हुआ करती थी, या इस बार उसने उससे पहले से ज्यादा बना दिया, मजबूत, पहले से और मजबूत बना दिया। मतलब आप इस दिन जिम गए थे तो आपकी बाइसेप इतनी थी, तोड़ के आपने कम करी, आपके शरीर ने उसे जोड़ करके जिस दिन आप जिम गए तो उससे ज्यादा मजबूत बना दिया, ज्यादा बड़ी बना दिया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कि उसने उसे जोड़ करके वापस उतना ही बना दिया जितनी वो पहले थी। तो इस बार जब आप बाइसेप की कसरत करोगे,
तो अगर वो पहले से इतनी बना दिया तो आपको अपनी ताकत उतनी महसूस होगी, लेकिन अगर उसने उसे जोड़ करके पहले से ज्यादा बना दिया, पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया, तो आपको अपनी ताकत पहले से ज्यादा महसूस होगी। एक तीसरा केस भी हो सकता है, वो ये है कि आपने खाना ढंग से नहीं खाया, या खाना सही खाना नहीं खाया, या आपने खाना बहुत कम खाया, या फिर आपने उसे सही रेस्ट नहीं दिया, उसे आराम नहीं दिया, तो हो सकता है वो टूटने के बाद जब रिकवर करे तो वो ढंग से रिकवर नहीं कर पाए और वो इससे भी कमज़ोर हो गए, मतलब जहाँ से आपने शुरू कराया था उसे तोड़ा, वो ढंग से रिकवर नहीं होने के कारण वो वापस इतने तक भी नहीं पहुँच पाए, इससे कम रह गई। इसलिए कहते हैं कि जिम के बाद खाना ढंग से खाओ और आराम ढंग से करो। जो वजन कम भी कर रहे होते हैं उनके वो तो खाने का खास करके ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले वो कम खा रहे हैं और उसमें भी वो सही खाना नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा उनके साथ कि मतलब आपने तोड़ को लिया लेकिन वापस पूरी जुड़ नहीं पाई, वो मतलब इतनी भी नहीं हो पाई, उससे भी कम रहेगी, मतलब इससे भी कम रहेगी। ये है मसल रिकवरी का फंडा, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया होगा, ये एकदम देसी तरीके समझाया है, इसमें जो भी बना है ये जरूरी नहीं है कि अंदर जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, लेकिन समझने के लिए सही है। अब तुम्हें याद रहना चाहिए, याद रहेगा मेरे हिसाब से, खाना और आराम, इससे मसल जुड़ती है वापस, रिकवर होती है, एक्सरसाइज करने से कमजोर मतलब टूटती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तभी वो टूटेगी और टूट कर जब वापस जुड़ेगी तभी पहले से ज़्यादा ताकतवर होगी, पहले से ज़्यादा जुड़ेगी, तो इसलिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है। पर हद से ज़्यादा करोगे तो तुम उसे इतनी तोड़ दोगे, तुम हद से ज्यादा करोगे तो तुम उसे इतनी तोड़ दोगे कि तुम खाना सही भी खा रहे हो, तुम खाना सही भी खा रहे हो तब भी वो जुड़ करके यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, वो यहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि तुमने उसे इतनी ज्यादा कसरत कर ली तुमने एक ही बार में कि तुमने उसे इतना तोड़ दिया कि तुमने खाना सही भी खाया और आराम भी लिया तब भी वो जुड़ करके यहाँ नहीं पहुंच पाई। इसी इसे ओवर ट्रेनिंग कहते हैं, इसे ओवर ट्रेनिंग कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमें ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अति हर चीज़ की खराबी याद रखना चाहिए, हमें अति ना खाने की करनी है, ना आराम की करनी है, ना ट्रेनिंग की करनी है। अब आराम की अति क्या है, तुम सोच रहे हो 14 घंटे सो जाओ या 12 घंटे सो जाओ, उतना करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपनी ज़िंदगी का पोटेंशियल सो के भी तो नहीं निकालना चाहते। खाने की अति क्या है, कोई सोच रहे हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ, वो शरीर पे उसकी चर्बी इकट्ठी होने लगेगी। और कसरत की ट्रेन ओवर ट्रेनिंग अति क्या है, मतलब कसरत की ओवर ट्रेनिंग क्या है, मैंने बताया आपको भी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर दो। बाय बाय।